नारायणपुर से आज श्री श्याम मित्र मंडल नारायणपुर की ओर से 38वीं पद यात्रा आज यहां से रवाना हो गई है। बाबा की अखंड ज्योत के साथ, श्याम बाबा के जयकारों के साथ पदयात्री नारायणपुर से आज रवाना हो गए हैं। आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि कितने पड़ाव के बाद श्याम बाबा के ये लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय काफी उत्साह इन श्याम भक्तों में नजर आ रहा है, जिस तरीके से काफी हर्षोल्लास। और अगर फागुन का महीना हो और बाबा का श्याम का जयकारा हो तो काफी आनंद में ये हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, कितने वर्षों से श्याम बाबा के जा रहे हैं आप? जी 38 वर्ष सर। अभी श्याम बाबा के आज जा रहे हैं तो कितने पड़ाव के बाद आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे? समथिंग 4 पड़ाव लगे। कहाँ कहाँ आप रुकेंगे? जैसे सर, जैसे फर्स्ट जो पड़ाव होगा हमारा भीलवाड़ी होगा, सेकंड होगा जो अजीतगढ़ के आसपास होगा, और थर्ड और फिर रिंगस होगा, फिर लास्ट में। तो आप देख सकते हैं 4 पड़ाव के बाद में ये बाबा शाम के दर्शन कर पाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, वो भी बाबा शाम के रंग में इस समय रंगे हुए हैं, क्योंकि फागुन का महीना इस समय चल रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? नाम राम। बाबा कितने वर्ष से बाबा शाम के जा रहे हैं आप? मैं 16-17 वर्षों से। तो आप देख सकते हैं बाबा लगभग 16-17 वर्षों से ये जा रहे हैं, और भी युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी सर, मेरा नाम मोनू है। बाबा हर पैदल यात्रियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और ये 38वीं पद यात्रा हमारे खाटू श्याम मंदिर से श्री श्याम मित्र मंडल से। कितने श्याम भक्त पैदल जा रहे हैं नारायणपुर से? हमारे यहाँ से 45 यात्री पैदल जा रहे हैं। अगर अपन खाने पीने की व्यवस्था करें तो क्या व्यवस्था है श्याम मित्र मंडल की ओर से? सर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं करता है हमारा मंडल, जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे, जो सब कुछ व्यवस्था हमारे लिए करके देते हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ इस समय श्याम भक्त जा रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब क्या नाम है? शुभम गुप्ता। शुभम भाई कितने वर्षों से जा रहे हैं आप? सेकंड बार है मेरी। बाबा के वहाँ जाते हैं, मनोती मांगते हैं, किस तरह की आस्था होती है लोगों की? जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है हमारी। अगर अपन मेडिकल व्यवस्था की भी बात करें श्याम मित्र मंडल की ओर से, खाने पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो है कि नहीं अपने पास? व्यवस्था पूरी हमारे पास, खाने पीने की, चिकित्सा की, कुछ भी वगैरह सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं श्याम बाबा के इस समय 45 पद यात्री नारायणपुर कस्बे से श्याम मित्र मंडल के द्वारा इस समय जा रहा है, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था की। तो आप देख सकते हैं तो श्याम भक्त इस समय काफी उत्साह में इस समय नजर आ रहे हैं, और भी युवा है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोविंद, मैं एमपी से हूँ, जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। तो आप यहाँ कैसे आए? निशान चढ़ाने के लिए। निशान चढ़ाने के लिए? अच्छा, जबलपुर से आ रहे हैं। तो आप श्याम मित्र मंडल की ओर से नारायणपुर से? हाँ नारायणपुर से। नारायणपुर मंडल से कितने वर्षों से जा रहे हैं? मैं यहाँ से ही आया, पहली बार, मेरा फर्स्ट बार। आपका कनेक्टिविटी इनसे मिलान कैसे हुआ? मेरे दोस्त हैं, मैं यहाँ पहले खाली दर्शन कराने के लिए लोग आए थे। आपके दोस्त हैं? हाँ, मेरा फरमान हुआ, मैं आ गया। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ एमपी में। एमपी में? तो एमपी से आपके संपर्क में आपके दोस्त हैं, उनके थ्रू आप वहाँ बाबा श्याम के जा रहे हैं? जी जी। कैसा लग रहा है पहली बार जा रहे हैं? बहुत अच्छा। काफी दूर पड़ता है पैर वैर? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी और कहीं गया पैदल यात्रा कहीं? नहीं, पैदल यात्रा मैं बानकपुर की भोले बाबा 150 किलोमीटर। तो आज यहाँ से आप श्याम बाबा के जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मेला देख। तो आप देख सकते हैं काफी युवा है, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई 16 बार, कोई 17 बार बाबा श्याम के यहाँ से जा रहे हैं। काफी उत्साह इन लोगों में आ रहा है, श्याम भक्त के जयकारों के साथ ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके जो निशान है काफी सुंदर इस समय लग रहे हैं, कोई हार थकार इनमें नहीं है, क्योंकि हारे का सहारा जिसको कहते हैं वो श्याम बाबा हमारा है। तो आप देख सकते हैं पैदल यात्री इस समय जा रहे हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।